बात कि जीएसटी भी कटेगी आपकी, तो 1,000 पैसे नहीं दिए उस आईडी के। उस मैंने क्या क्या करा था, कब मुझे वो प्रमोशन वीडियो आई थी जिस पर कि इतना बड़ा लफड़ा हो चुका है। वो भैया कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि 1,000 पहले आपको भरने होंगे, ठीक है, बाद में उन्होंने कहा कि 4,000 और भर दो और बाद में मैं आपको रील दे दूंगी। उन्होंने कहा कि रील आप एक बार हमको भेज दिए। मैं कंफ्यूजन में थी कि वो एक बार रील मेरे से क्यों मांग रहे हैं। तो उस केस को मैं शुरू करती हूँ यहाँ से, मतलब होली के दिन से मैं दिखाऊंगी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पोहर और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ना सुबह के 6:30 हो चुका है, वहां से हो रही है, काम के साथ हो रही है। सुबह सुबह मेरा यही काम होता है। और यहाँ पर देखिए हमारी जो भैंस है वो मेरा इंतज़ार कर रही है। तो सबसे पहला जो काम है मेरा, फुकान सिंह को अंदर बांध कर उसके पास से दूध निकालने का होता है। और ये देखिए क्या हालत बना रखी है इसने यहाँ की। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और घास और सूखी न्याय डाल के ना मैंने फुकान सिंह को दे दी है। अब इसके पास दूध निकालूंगी मैं और थोड़ी देर में ना बाहर गोबर साफ करूंगी और उसके बाद घर पे मिलूंगी। और दोस्तों इसको बोलते हैं निवाणा, जिससे कि ना भैंस के दोनों पीछे के जो दोनों पैर होते हैं उसको बांधा रहता है ताकि वो ना पैर उठा ना सके, तो बैठने में थोड़ा डर कम लगता है और आसानी होती है, तो उसी को। बाकी दोस्तों ये वाला जो काम है ना, ये मैं मायके से नहीं सीख के आई थी, ये काम मैंने ससुराल आके ही सीखा, क्योंकि मायके में हमारी भैंस नहीं हुआ करती थी। तो भैंस के पास से दूध निकालते हैं। बाकी जो निवाणा है उसको खोल देते हैं। अब भैंस को ना बाहर निकाल देते हैं, थोड़ी देर भैंस को बाहर रखेंगे फिर नहला धुला के अंदर बांध देंगे। अब दोस्तों यहाँ इसको कहते हैं खर्क, जो कि भैंस यहाँ रात भर थी तो गोबर उठाने के लिए है। तो सबसे पहले जिसको मैं फेंक रही हूँ उसको कहते हैं घसड़ा। तो सबसे पहले ना घसड़े को इधर उधर करके और सिर्फ गोबर गोबर को ही उठाना होता है और ये घसड़ा ना सुखाने डालना है ताकि फिर से शाम के टाइम पे डालने के काम आ जाए। दोस्तों दूध मैंने निकाल दिया है, आप चलते हैं घर की तरफ। फुकान सिंह को मैंने सूखी घास दी हुई है क्योंकि हरी घास ना इसने अभी तक खा ली। और बाकी पीछे का मौसम देखिए आप। तो चाय के साथ थोड़ा सा बिस्किट और अब बनाते हैं नाश्ता सुबह का। आटा मैंने गूंद दिया है तो अब रोटी बनाते हैं। और आज ना बाहर वाले चूल्हे पर आग नहीं जल रही है तो आज मैं गैस पर ही बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी जा रही लेट हो चुकी है पहले से ही। चलिए भाई दोस्तों, 8:30 की धूप के साथ मेरी हो गई है एक नई सफ़र की तैयारी। और आज के वीडियो का मतलब मेन जो वो है वो टॉपिक, उसी टॉपिक से मैं होली के दिन से परेशान हूँ। आप लोगों को होली के दिन से मैं वीडियो बताऊंगी। फिलहाल मैं खेत में जा रही हूँ और उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं उन दीदी को कॉल करूँगी जो कन्फ्यूज मुझे हो रहा है। और होली के दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, एक भी वो मिस ना करें और वीडियो देखें ना देखें, लेकिन ये मेरी मदद का, मेरे मतलब आईडी का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल ही बोलूँगी मैं एक तरफ से, क्योंकि काफ़ी लोग ना भरोसा करके ही कोई भी चीज़ देते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताऊँगी मैं और पूरा आपको डिटेल में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं खेत जा रही हूँ घास के लिए और उसी के साथ ना थोड़ी देर में
मिलूंगी आपसे, मतलब वो बात लेकर। तो मैं तब तक कंफ्यूज दूर करूंगी, उनको कॉल करूंगी कि क्या क्या हुआ था। तो ये विषय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने इस पर अपने विचार रखने हैं कि मुझे क्या करना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल मैं चलती हूँ। आधा सॉल्टी मैंने हरे गेहूँ के अंदर से निकाली और आधा सॉल्टी ना यहाँ से सूखे वाले घास यानी कि जिस पर थोड़ा थोड़ा कंकड़ी आ रखी है उससे निकाली। तो अब सॉल्टी ले जाके ना मैं घर की तरफ चलती हूँ। तो दोस्तों, घास को गौशाला में रखने के बाद ना मैं अपने पुराने वाली कुटिया में आ चुकी हूँ और अभी ना खाना बना रही हूँ मैं। तो थोड़ी देर में आपको लाइव बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था उस दिन, उस केस में क्या क्या हुआ था। तो दिमाग ख़राब हो गया, सुबह से मैं उनको कॉल पे कॉल की जा रही हूँ लेकिन वो कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ये वाला फैसला आपने करना है, मैं पूरी लाइव वीडियो आपको दिखाऊँगी क्या क्या हुआ था उस दिन। ठीक है, फिलहाल मैं खाना बनाती हूँ, देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ आज। और थोड़ी देर में मैं रूम पे जा रही हूँ तो आपको ना पूरी लाइव बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था उस दिन और क्यों मेरे साथ ये केस हुआ था और कैसे करके इसमें फंसी मैं। तो आप लोगों के हाथ में ये बात है कि आप लोग, मतलब डिसीजन आपको लेना है कि क्या करना है इस पर, आगे क्या करा जाए, है ना। बाकी थोड़ी देर में मैं रूम पर जा रही हूँ खाना बनाने के बाद और तब मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं रूम पे जाके मिलती हूँ, तो अभी मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं आपको एक लाइव वीडियो बताऊँगी यानी कि उस दिन का पूरा लाइव बताऊँगी मैं क्या क्या हुआ था, कहाँ से मैंने ये केस शुरू करा था, कहाँ पे ख़त्म करा था, क्या क्या हुआ था। ठीक है, मैं उस दिन से अभी तक कन्फ्यूज़ में हूँ, वो कन्फ्यूज़ आप लोगों ने दूर करना है। और मैंने सोचा कि मैं इंस्टा पर छोटी वीडियो बनाऊँ लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आता है, तो उस केस को मैं शुरू करती हूँ यहाँ से, मतलब होली के दिन से मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या करा था, कब मुझे वो प्रमोशन वीडियो आई थी जिस पर कि इतना बड़ा लफड़ा हो चुका है। ठीक है, मैं वो बताती हूँ आपको और धीरे धीरे ना आप पूरी वीडियो देखना, एक भी वो मिस मत करना। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि सबसे पहले कब मेरे को प्रमोशन आया था, तो दिखाती हूँ आपको लाइव में। ठीक है, उम्मीद और आशा करती हूँ कि आज होली का स्पेशल दिन है। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत करी थी, उसके बाद मैंने, मतलब वीडियो की शुरुआत करी, नाश्ता बनाया और थोड़ी ही देर में ना मेरी सासू जी भी आ चुके थे। तो पहले दिन ये प्रमोशन आ चुका था, उनको मैं हाय कहने के लिए बोल रही थी लेकिन उन्होंने नहीं करा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। खेतों में जाके हम घास के लिए और घास लाते ही हम लोग ना होली का स्पेशल दिन मनाने लगे। मैंने नहीं मनाया, मतलब थोड़े बहुत ही डांस करा, ज़्यादा नहीं करा मैंने, लेकिन सिर्फ एक्टिंग करी मैंने। तो जैसे तैसे करके मैंने होली से घर आके ना वापस वो प्रमोशन वाली वीडियो पे मैंने रिप्लाई करा और मैंने उनसे कहा कि कैसे कैसे क्या क्या बनाना है। तो वो छोटी सी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है अभी भी, तो अभी देखिए मैं घर। दोस्तों, होली खेल के ना मैं अपने रूम पर आ चुकी हूँ, अभी नहा धोते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेखा पवार आप लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों का पैसा डूब रहा है, बहुत सारे लोग फ्रॉड केस कर रहे हैं, तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टेड पेज लेकर आई हूँ जो कि मेरी अपनी दोस्त की आईडी में नीचे मेंशन कर रही हूँ। तो जल्दी से जाइए पेज के बारे में, उनसे डिटेल लीजिए। और जो मेरी दोस्त हैं, ट्रेडर तनु के नाम से आईडी है, तो उनसे जल्दी से जाइए, DM कीजिए, मैसेज कीजिए। और ये पेज जो है 100% ट्रस्टेड एंड जेन्युइन पेज है, तो जल्दी से जाइए, इनको मैसेज कीजिए और ऐसे पैसे इन्वेस्ट करके ढेर सारे पैसे डबल कराइए।
जल्दी से जाइए, देर मत कीजिए, बाय बाय। तो जैसे कि यहाँ तक कि आपने वीडियो देख ली होगी, तो अब इसके बाद मुझे बनाना था वो प्रमोशन वाली वीडियो, क्योंकि पहले दिन मैं उसका स्क्रीनशॉट आगे पे लगा दूंगी। तो पहले के दिन मुझे ये प्रमोशन आया था तो मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसके लिए मैंने उन दीदी का रिप्लाई भी नहीं करा और उनसे ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं करी। तो उन्होंने कहा कि दीदी कब तक रील बना दोगे, तो मैंने पहले भी एक बार रील बना चुकी हूँ मैं, मतलब किसी और के लिए बनाई थी, लेकिन उन्होंने रील बनवा के उसके बाद प्रमोशन के पैसे नहीं दिए। तो मैं डर चुकी थी, मैंने उनसे कहा कि दीदी ऐसा काम करो, मैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डर भी थोड़ा थोड़ा करके लगाती रहूँगी। तो मैंने कहा दीदी कि आप प्रमोशन के पैसे पहले पे कर दीजिए और बाद में मैं आपको रील दे दूँगी। उन्होंने कहा कि रील आप एक बार हमको भेज दिए। मैं कन्फ्यूजन में थी कि वो एक बार रील मेरे से क्यों मांग रहे हैं, तो मुझे डर लगा कि वो मेरे पैसे नहीं देंगे, है ना। मैं मुझे सिर्फ ये था कि प्रमोशन कराना था, बाकी मैंने मुझे ये नहीं पता था हमारे गढ़वाल में ही ऐसे लोग छुपे हैं जो इतना फ्रॉड केस कर रहे हैं, और मुझे वो नहीं मालूम था। तो मैंने कहा कि आप मेरे पैसे दे दीजिए और कल सुबह तक मैं आपको आपकी रील दे दूंगी। तो जैसे तैसे करके मैंने नहाने के बाद वो रील बनवाई, प्रमोशन वाली रील मैंने रात को बनाई, ऐसा भी नहीं है दिन में बनाई, मैंने बहुत ज़्यादा थकने के बाद वो रील बनाई। तो होली की हड़बड़ाहट में मैंने ये नहीं उनसे मतलब डिटेल नहीं पूछी कि क्या क्या है, मुझे लगा कि सच ही बोल रहे होंगे, क्योंकि बाहर के लोग तो ठगे भी, लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ऐसे फ्रॉड केस कर रहे हैं ये लोग। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बोला था उस रील में, ठीक है, गलती मेरी कहाँ पर है और मैंने क्या करा था वो दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मुझे लगातार यही डर था, उसके बाद दूसरे दिन की नई सुबह हो चुकी थी, मैं दूसरे दिन हंसते खेलते अपनी वीडियो शूट कर रही थी और उन्होंने मतलब तब तक पेमेंट की बात चल ही रही थी। तो मैंने कहा यार वो लड़की भी ब्लॉगर है, वो क्यों झूठ बोलेगी। तो मैं जैसे तैसे करके अपना घास निकाल के, ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पर चैटिंग पढ़ सकते हो, मतलब बराबर चैटिंग है। तो मैंने वीडियो पोस्ट करी, उन्होंने थैंक यू कहा, तो मैंने कहा, वो कह रहे थे कि स्टोरी लगा दो, तो मैंने स्टोरी नहीं लगाई, क्योंकि उन्होंने मैंने 400 में बोला था, उन्होंने 300 में बोला। बाद में मैंने स्टोरी भी लगा दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसे ही फिर भी चलता रहा। मैंने कहा कि उन्होंने पेमेंट नहीं करी। तो दूसरे दिन की शुरुआत भी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि यार चलो प्रमोशन कर दिया, मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने स्टोरी पे भी वो वीडियो लगाई थी कि मैंने 350 का प्रमोशन करा है, जैसा कि मैं रोज़ डालती हूँ। बाकी मैंने वो प्रमोशन वीडियो डाली थी और उसके बाद उनके पास जा रहे होंगे, मतलब जो लोग DM में मैसेज करके जिन्होंने अपना फ़ायदा देखना होगा वो लोग जा ही रहे थे उनके पास लगातार, मतलब अपने जैसे मैंने भी करा था तो जाना ही था, है ना, इतने सारे व्यूज़ गए हुए थे उस पर। तो उस वीडियो को 2000 तक तो लाइक आई थी, तो ऑफकोर्स की व्यूज़ भी 40-50 हज़ार तक गए होंगे। तो इतने सारे लोगों ने वो वीडियो देख के मतलब पता नहीं तो कितने लोगों को ठग दिया होगा, नहीं। बाद में एक भाई जी हैं जिनका नाम मैं दिखाती हूँ आपको, हाँ, तो मैंने वो आईडी वो नाम अपने उस पर लिखा हुआ है, देवेंद्र नाचुल के नाम से आईडी है। तो उन भाई जी ने शायद उनको DM में मैसेज करा होगा, तो उन्होंने मैसेज करा तो वो भाई जी का कॉल आया था मुझे 2 दिन बाद। तो उन्होंने उनसे मैसेज करा तो एक उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको 1000 भरने होंगे। मैंने काम के बारे में डिटेल उनसे नहीं ली थी, तो उन्होंने कहा कि 1000, मतलब वो भैया कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि 1000 पहले आपको भरने होंगे, ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि 4000 और भर दो और आपके ना 29000 के ऐसे हो जाएंगे। तो भाई जी ने कहा कि हाँ मैं भर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस लड़की के कहने पे नहीं, मेरे कहने पर उस लड़की को मैसेज करा कि हाँ रेखा झूठ नहीं बोल सकती है, रेखा पवार, क्योंकि मैंने उनसे उनके बाद बात की थी मैंने, तो उन्होंने कहा कि बहन मैंने तेरे कहने पर। तो 3000 उन्होंने वहाँ पे भर दिए थे। उन्होंने कहा उसके बाद कि GST भी कटेगी आपकी, तो 1000 रुपये और भर दोगे, क्या कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि अब वो मेरा रिप्लाई नहीं दे रही है, जो ट्रेडर तनु के नाम से आईडी है, मतलब जिन्होंने ये काम करवाया है। तो कराया था क्यूट कपल अंजलि रावत की, अंजलि वो भी ब्लॉगर हैं, तो जो क्यूट कपल नाम से मुझे प्रमोशन आया था उन्होंने उनको दिया और उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि सब फ़ायदा ही देखते हैं, तो उन्होंने कहा चलो फ़ायदा है तो इनको भी फ़ायदा दिलाते हैं। तो जो भाई जी हैं देवेंद्र नाचुल, तो उन्होंने उनको शायद मैसेज करा होगा, तो उन्होंने तो मुझे बता दिया, तो शुक्र हुआ कि उन्होंने बता दिया, वरना पता नहीं चलता। तो वो कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने मतलब पैसे नहीं दिए उस आईडी के,
तो जब पेमेंट उन्होंने नहीं करी तो उसके बाद उनको उन्होंने ये पहले की चैटिंग है यानी कि पुरानी चैटिंग है, तो मैंने उनसे चैटिंग करके उन्होंने बोला था कि अब आपने जो प्रमोशन वाले वीडियो बनाई है उस पे ये सब लिख दो, और मतलब कुछ लिखने के लिए बोला था, अपनी आईडी का वो लिखने के लिए बोला था, तो वो लिखा नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे उनकी आईडी नहीं मिल रही थी, यही सब बात चल रही थी। लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने आपकी पेमेंट हो गई, तो मैंने कहा हाँ जी हो गई, तो बोला कितना, ये देखिए आप जैसे चैटिंग देख सकते हो। तो उसके बाद उन्हें मैंने कहा, उन्होंने तो 400 देने के लिए भी मना करा, उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दिया, तो मैंने उनको साफ साफ कह दिया कि आपने उनके उनसे इतने पैसे क्यों लिए। तो जब मैंने उनसे वो कहा तो उन्होंने कहा कि मैं आपके अकाउंट में रिपोर्ट डलवा दूंगी और आपका अकाउंट एक मिनट में साफ हो जाएगा। तो मैंने इतने ही कहा अपने भाई के कहने पर, और उन्होंने ना मुझे मतलब उसके बाद रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। तो अब इससे आगे आप लोगों को ना डिसीजन लेना है कि इस पर क्या करें हम आगे, क्या ये फेक आईडी है या फिर गलत किया है किसी ने, ठीक है? आप आपका डिसीजन का इंतज़ार करूँ।